मऊ जिले के मधुबन तहसील के मुसलमानों ने भरी दोपहर में बारिश के लिए दुआ खानी का आयोजन किया। मुसलमानों ने रब के आगे हाथ उठाकर बारिश के लिए दुआ की। दर्जनों की संख्या में आयोजन के लिए जुटे मुसलमानों ने अल्लाह ताला की बारगाह में गर्मी और उमस से निजात दिलाने के लिए गुहार में हाथ उठाए। बताते चले कि 15 जून से बारिश की शुरुआत होती है, लेकिन जुलाई महीने का आधा समय बीत जाने के बाद भी तीखी धूप से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। आषाढ़ महीने में जेठ सी गर्मी पड़ रही है। गर्मी से निजात और बारिश के लिए मुसलमान भारी संख्या में मधुबन तहसील के पांती रोड के खेल मैदान में जुटे और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए। मौलाना नसीरुद्दीन की देखरेख में दुआ खानी की गई। मौलाना नसीरुद्दीन ने कहा कि अब खुदा के दरबार में गुहार लगाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। वह अपने परेशान हाल बंदों की सुनते हैं। उम्मीद है वह गर्मी और उमस से निजात दिलाने के लिए बरसात जरूर कराएंगे। हम सब अल्लाह की नाफरमानी पर उतर आए हैं, यही वजह है कि हम परेशानियों से गिरते जा रहे हैं। अभी भी समय है कि हम सब उसी रजा के लिए तैयार हों और उसकी इबादत में कोताही ना करें। अल्लाह अपने बंदों की हर परेशानी से वाकिफ है और समय समय पर उनका इम्तिहान भी लेता है। ऐसे में हमें संचेत होना होगा और खुदा के बताए अहकाम को समझना होगा, ताकि उसकी रदा हासिल हो सके और उसकी रहमत मिल सके। पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि बहुत बारिश नहीं हो रही है, और बारिश न होने की वजह से तमाम लोग परेशान हैं, चाहे वो किसान हों, जानवर हों, आदमी हों, सारे लोग परेशान हैं। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि अल्लाह की बारगाह में इकट्ठा होकर उससे प्रार्थना करें, ताकि रहमत की बारिश हो। और बारिश जब हो जाएगी तो हमारी खेती होगी, सारे लोग जो गर्मी से परेशान हैं, गर्मी से उनको निजात मिलेगी। हम लोग का यही प्रार्थना है, और हमारे धर्म के अनुसार इस नमाज को इस तिस्का के नाम से जाना जाता है कि अगर कहीं बारिश न हो रही है, सूखा हो रहा है, तो इस नमाज के माध्यम से हम अल्लाह की बारगाह में अपने को रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, ताकि हमारे पापों की वजह से जो हमारे ऊपर जो मुसीबत नाजिल हो रही है। सही यह है कि हमारा जो अमल है वो हमारा अमल ठीक नहीं है, और ठीक ना होने की वजह से हमें लगता है कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है। तो उसकी बारगाह में हम लोग रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, कहते हैं कि मेरे मौला, हमसे जो गुनाह हुई है, जो पाप हुआ है, इसको तू माफ़ कर दे। और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, चरिंदे हैं, परिंदे हैं, और जो चौपाए हैं, उनके लिए रहमत की बारिश करें, ताकि सारे लोग इससे फ़ायदा पाएँ और जो मुसीबत है इसे निजात।